हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आयत और वर्ग के कुछ क्वेश्चन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई 16 मीटर हो तो क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी है? 30 गुणित चौड़ाई दी है 16, दोनों का मल्टी किए तो 480 वर्ग मीटर। अब हमने वर्ग मीटर क्यों लिखे? क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। ये क्षेत्रफल निकाल लिए, अब निकालेंगे हम परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 मल्टी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई है अपनी 2 मल्टी लंबाई 30 और चौड़ाई है 16। 2 इन दोनों को लंबाई प्लस चौड़ाई को किए तो कितना हुआ? 46। अब इसमें 2 का मल्टी कर देंगे तो कितना होगा? 92 मीटर। ठीक, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एक आयताकार क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई 40 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करो। अब देखिए उसमें क्या लंबाई और चौड़ाई दी थी आपको, और परिमाप और क्षेत्रफल निकालना था। अब इसमें बोला है क्षेत्रफल दिया है और एक लंबाई दी है, आपको चौड़ाई निकालना है। तो देखिए क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आपको क्षेत्रफल भी दिया है और लंबाई भी दी है, चौड़ाई निकालना है। तो ये 1200 बराबर लंबाई कितनी दी है? 40 मीटर मल्टी बी। ठीक, तो अपन इस इक्वल के इधर ले जाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1200 अपॉन 40 बराबर बी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 120 अपॉन 4 बराबर बी। काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 0, तो बी बराबर कितना आ गया? 30। तो चौड़ाई कितनी हुई? 30 मीटर। इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 50 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले आपको क्षेत्रफल दिया था और एक लंबाई दी थी और चौड़ाई निकालना था। अब इसमें क्षेत्रफल दिया है, एक लंबाई दी है और परिमाप निकालना है आपको। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो कितना दिया है? ये 1500 दिया है, एक बराबर लंबाई दी है 50 मल्टी बी। बी चौड़ाई अपन को पता नहीं, इसलिए पहले चौड़ाई निकालेंगे फिर परिमाप निकालेंगे। तो कितना हो गया? 1500 बटे 50 बराबर बी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 वन ज़ा 5 और 5 तिया 15, ये हो गया 30। तो चौड़ाई अपनी 30 आई। अब हम निकालेंगे क्या? परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 मल्टी लंबाई धन
चौड़ाई, तो हमने चौड़ाई निकाली है कितनी आई अपनी 30, तो 2 मल्टी 50 धन 30 2 मल्टी इन दोनों को प्लस करें तो कितना हुआ 80, और इन दोनों का मल्टी करें तो कितना होगा 116 मीटर। इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर, तो 6 रुपये वर्ग मीटर से पार्क में पौधे लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। अब देखिए, लंबाई भी दी, चौड़ाई भी दी है, लेकिन इसमें पूछा है कि एक पार्क है उसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है और उसमें पौधे लगाना है, तो 6 रुपये के वर्ग 6 रुपये वर्ग मीटर से लगाएंगे तो कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो पहले अपन 1 रुपये का निकाल लेते हैं, फिर 6 रुपये का निकालेंगे। ओके, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो कितना दिया है लंबाई अपन को 12 मीटर गुणित 8 मीटर, इन दोनों को मल्टी किए तो कितना आया 96 वर्ग मीटर। अब 96 वर्ग मीटर आया तो ये 1 रुपये का होना चाहिए, तो देखो 1 रुपये बराबर 96, तो क्वेश्चन में बोला 6 रुपये से लगाने का खर्च, यानी कि तो 6 रुपये से लगाने का खर्च क्या हो जाएगा 96 मल्टी 6, दोनों का मल्टी करेंगे तो कितना आएगा 579 रुपये, इतना खर्च आएगा। इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अनुपात वाले क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है, एक आयताकार एक आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात 5:16 हो तो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक आयत की लंबाई व परिमाप, लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16 है तो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको परिमाप भी दिया है और एक लंबाई दी है, इसका मतलब आपको परिमाप दिया है और लंबाई दी है, तो आयत का परिमाप कितना होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई यही होता है। तो देखिए आपको परिमाप दिया है और लंबाई दी है, तो देखो जो पहले रेशो में जो पहले होता है, जैसे पहले 5:16 दिया है, तो 5 क्या हुई लंबाई हुई और 16 क्या हुआ अनुपात हुआ, तो देखो 16 बराबर 2 लंबाई 5 हुई प्लस पहले चौड़ाई निकालेंगे अपन। ओ नो, ये मिस्टेक हो गया। हाँ, यहाँ 16 प्लस 16 तो कितना हो जाएगा, ये 16/2 कर दो बराबर 5 प्लस बी हो गया 2×2 8 बार गया, 8 बराबर हो जाएगा 5 प्लस बी, अब इसको माइनस कर दो 8-5 बराबर बी, तो कितना होगा ये 3 बराबर बी, तो पहले अपनी क्या निकल गई
चौड़ाई निकल गई। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई कितनी है अपनी 5:1, चौड़ाई कितनी दी है 3। आया इतना समझ में? क्यों 5:3 क्यों लिखें? क्योंकि लंबाई व चौड़ाई का अनुपात पूछा है, तो लंबाई तो अपन को दी थी और चौड़ाई अपन ने निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग। अब वर्ग की क्वेश्चन है, ठीक है। अब वर्ग के बारे में आप सब जानते हैं, उसके फार्मूला क्या क्या होते हैं। तो देखिए, वर्ग, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 22 मीटर हो तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, भुजा दी है, हमने बताए थे वर्ग की चारों भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। तो एक भुजा दी है मतलब चारों भुजा दी हैं। तो देखिए, ये होता है वर्ग, है ना। हमने आपको बताए थे ये ए बी सी डी आदि, ये 22 है तो ये भी 22 होगी, और ये भी 22 और ये भी 22, ठीक। अब परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। तो कितना होगा, 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 वर्ग मीटर, ये निकाल लिए अपन ने क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम परिमाप, ठीक हो। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा, यही होता है। तो 4×22 बराबर 88 मीटर। आया इतना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो भुजा ज्ञात करो। अब देखो, क्षेत्रफल दिया है आपको और भुजा बताना है आपको। तो देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यही होता है ना। तो क्षेत्रफल दिया है बराबर भुजा का स्क्वायर, तो हम इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं 144 को, 144 अंडर रूट बराबर भुजा का बराबर भुजा। तो क्या होगा ये, देखो अब स्क्वायर में लिखेंगे, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है, बराबर भुजा का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 12 बराबर भुजा, तो इसकी एक भुजा कितनी है, 12 मीटर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोला है, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर हो तो भुजा ज्ञात कीजिए। पहले आपको क्षेत्रफल दिया था और भुजा निकालना था, अब इसमें परिमाप दिया है और भुजा निकालना है। तो देखिए, आपको पता है आयत वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4×भुजा, यही होता है ना। तो आपको
परिमाप दिया है, कितना दिया है 64 बराबर भुजा, वो 4 गुणित भुजा, तो आपको भुजा निकालना है। तो 64 बटे 4 बराबर भुजा, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 2, 4 छिका 24, है ना। तो कितना होगा, भुजा निकल गई 16। आया इतना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आपको क्षेत्रफल दिया है और परिमाप निकालना है। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो देखिए, भुजा क्षेत्रफल कितना दिया है, 441 बराबर भुजा दिया है। एक भुजा निकालना है पहले अपन को, भुजा का स्क्वायर, करणी में लिख लो इसको 441 बराबर भुजा। तो 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का, बराबर भुजा का स्क्वायर ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 21 बराबर भुजा, ये आपका निकल गया। क्या निकल गई, भुजा निकल गई। अब पूछा है परिमाप भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिमाप भी ज्ञात करना है। जब अपनी भुजा निकल गई तो अब हम परिमाप ज्ञात करेंगे। भुजा कितनी है, 21, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होगा 4 गुणित भुजा, तो 4, और भुजा कितनी निकली थी 21, तो कितना हो जाएगा 84 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको परिमाप दिया है और क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, यही होता है। तो आपको क्षेत्रफल पहले परिमाप दिया है, तो 60 बराबर 4 गुणित भुजा, पहले अपन भुजा निकालेंगे उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे, ओके। तो देखिए, 60 बटे 4 बराबर भुजा, इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ये 15, तो भुजा कितनी निकल गई, 15 मीटर, ठीक। अब क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल, भुजा निकल गई 15 मीटर, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर ना। तो भुजा कितनी निकली थी अपनी, 15, तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 वर्ग मीटर। क्वेश्चन समझ में आए, यदि आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और थैंक यू।